जैन फ्रेंड्स, श्री यथार्थ आईएएस प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम ध्वज। अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप जीएस पढ़िए, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद। एक है तोता, पक्षी है, उसको भी गायत्री मंत्र पढ़वा लो, क्या वो प्रेमानंद स्वामी हो सकता है? पढ़ तो कोई भी ले, लेकिन पढ़ने के बाद उसके मैसेज को बाहर निकालना वो सबके बस की बात नहीं है। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि मौर्य अधिकारियों को 60 पण से लेकर 48,000 पण तक का सैलरी दिया जाता था। अरे अपने समाज में सुनते नहीं हो कि इनके बिटिया कानपुर से पढ़ी है और 60 लाख का पैकेज है? आजकल अपने यहाँ पैकेज का बड़ा फैशन चला है, हिंदुस्तान में पैकेट है बहुत। उनके उदाहरण दिए जाते हैं, उन पर कहानियां बनाई जाती हैं। एक है तोता, पक्षी है, उसको भी गायत्री मंत्र पढ़वा लो, उसको भी गायत्री मंत्र पढ़वा लो, क्या वो प्रेमानंद स्वामी हो सकता है? सबने वीडियो देखी ना उनकी, वृंदावन दोनों किडनी फेल, दोनों किडनी फेल, मस्त। यहां जुकाम हो गया तो आदमी बेहोश पड़ा है भैया, अंदर से सांस में सी सी का आवाज आ रहा है, सी कोरोना लग रहा है भैया। दोनों किडनी फेल, मैं डॉक्टर ने कहा था आज से 17 साल पहले कि 2.5 साल और, वही खुद ही कहानी सुना रहे थे कि डॉक्टर ने हमको बुलाया, कहा कि बाबा जी आप संत महात्मा आदमी हैं तो हम आपसे कोई बात छिपाएंगे नहीं, 2.5 साल, और आज हो गए 17 साल। किसने बचाया? इसने। कितने लोग बाइबल पढ़ रखे हैं, गीता पढ़ रखे हैं, किताब को पढ़कर उसके मैसेज को बाहर निकालना, पढ़ तो कोई भी ले, पढ़ तो कोई भी ले, लेकिन पढ़ने के बाद उसके मैसेज को बाहर निकालना वो सबके बस की बात नहीं है। और वो जो मैसेज निकालने की प्रक्रिया है वो है प्रिपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अफगानिस्तान, ये दोनों की स्थिति आज तुम्हारे सामने है। वुमन यहां भी और यहां भी, और यहां की स्थिति दयनीय, और यहां की स्थिति उच्चतम। अगर मुसलमान यहां है तो मुसलमान यहां भी तो है, नहीं है? 13% जनसंख्या मुसलमान है, तो ये क्यों है ऐसा? इतिहास कितने कितने लोगों का ऑप्शनल है, या कितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया है इतिहास से, या कितने लोग इतिहास से ग्रेजुएशन कर रहे हैं? कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा इतिहास?
अरे बाप रे बाप, पढ़ लिए पूरा? फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़े? कौन सी किताब पढ़े प्राचीन की? मारत है ना, तो कौन सी किताब पढ़े? सेकंड ईयर का भी तुम्हारा एग्जाम हो गया होगा 22 मई से, तो पढ़ तो लिए पूरा। काम से आ रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? दरअसल तो कुर्ता पहने हो खंडानंद त्रिपाठी की तरह काले रंग का, तो तुम नजर में आ गए तुरंत। आकर्षक व्यक्तित्व लग रहा है ना, बाल बाल एकदम। इस साल क्या पढ़े? अच्छा, विस्तृत रूप में पढ़ाया उसको। तो मौर्य काल में दास प्रथा बहुत विकसित हुई। क्यों? दास प्रथा पैदा कब हुई? और जितने लोग वीडियो बना रहे हैं सबका फोन छीन लेंगे। देखो, तो हम बिना फोन के क्लास में आए हैं, हमसे ज्यादा बिजी नहीं हो, सारा खुराफात का धंधा हमारा है। स्टूडेंट को तो मोबाइल अपने पास रखना ही नहीं चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए, सेल्फी नहीं लेनी चाहिए। मोबाइल मतलब अपना काम निकाला, जैसे क्लास में आए, मंदिर जा रहे हैं, वहां सब इसको साथ में रखना ही नहीं चाहिए। ये तुम्हें ऐसे खा रहा है जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है, और 10 साल बाद इस देश में 60% जनसंख्या पागल की स्थिति में होगी, ऐसे मोबाइल लेके ऐसे ऐसे करती रहेगी। अरे, जो आदमी वॉशरूम में अब मोबाइल लेके जा रहा है, देखो मना कर रहा हूं, एक भैया फिर भी बना रहे हैं, और सोशल मीडिया ने नए टाइप का भिखमंगा पैदा कर दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी तुम लोग ये सब काम मत करो, अभी तुम अपना वजूद पैदा करो, शक्ति, ऐसा वजूद पैदा करो कि लोग तुम्हारे पीछे आकर तुम्हारा वीडियो बनाएं। तुम मत बनाओ, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा कैसे तुम्हारा वीडियो बनेगा, वो ही बता दूंगा। ये जो स्टेबल है, खैर इस पर चर्चा कर लू, फिर बताता हूं तुम्हारा वीडियो कैसे बनेगा। और वो इतनी प्यारी चीज है, कर लोगे बहुत आराम से। आज इलाहाबाद एयरपोर्ट पर मैं पहुंचा, आज कुछ ऑफिशियल यहाँ पे है, बड़े सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, कई सारे मंत्री आए हैं, हमारी गवर्नर साहिबा आई हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, तो सबका प्रोटोकॉल लगा हुआ था। मैं भी, अब मुझे क्या पता कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम भी उतरे, तो सौभाग्य इतना परमात्मा की महिमा थी कि एयरपोर्ट प्रशासन ने, पानी पी रहे थे तो मास्क हटा लिए, तो एयरपोर्ट प्रशासन की नजर पड़ गई, पकड़ लिए, कहा गुरुजी यहीं बैठो और बिना चाय पिए जाने नहीं देंगे। अरे मैंने कहा ये सब बड़े बड़े लोग, अरे बोले टीचर से बड़ा कोई नहीं होता। और बोला आप दो चार लोग हिंदुस्तान में तो ऐसा काम कर रहे हो, कह मेरा बेटा मेरी कोई बात सुनता नहीं था, आपकी एक वीडियो है माता पिता पे, मैंने उसको सुना दी,
अब 3 बजे आके पैर छूने लगता है। क्योंकि तुम आशीर्वाद का महत्व भूल गए हो, मैं बताऊंगा उसका भी। अब देखो, जो तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, ये तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये अभी तुम तैयारी नहीं कर रहे हो, अभी तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। और तुमने पढ़ लिया मौर्यकाल, सोचो, और तुम्हें यह नहीं पता कि दास प्रथा ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक। अब देखना पढ़ाई और प्रिपरेशन में क्या फर्क है, बहुत गौर से सुनना, इसको मिस कर गए तो तुम यहां जितने लोग बहुत सालों से रह रहे हैं उसकी वजह यही है, पढ़ाई कायदे से किए नहीं, प्रिपरेशन होगी ही नहीं। लेटर वैदिक, ऋग वैदिक, लेटर वैदिक, मौर्य काल, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्त, गुप्त काल, पोस्ट गुप्त, राजपूत, कई सारे लोगों ने इतिहास पढ़ रखा है और जीएस में तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। अब एक एक टॉपिक उठाते हैं, वुमन। अब देखो कैसे पढ़ाई और तैयारी का कितना गहरा संबंध है। वुमन यहां पर क्या है, सती प्रथा, सती सिस्टम है ना। पहला एविडेंस यही से तो मिलता है, एरन अभिलेख 510 एडी, गुप्त काल से ना। तो अब सती सिस्टम यहां से शुरू हुआ, यहां उसको गति मिली और यहां पे वो चरम पे पहुंच रहा है, चरम पीक। लेकिन यही सती सिस्टम इधर नहीं है, सती सिस्टम जो उधर पैदा हुआ और फिर चरमोत्कर्ष में पहुंचा वो इधर नहीं है। यहां पे क्या है, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, इधर नहीं है चाइल्ड मैरिज। बैठो तुम्हारी, बैठो, इधर पर्दा सिस्टम इधर नहीं है। कोई बताएगा क्लास में क्यों, कोशिश करो ऐसे ही, ऐसे कोशिश। मैं, मेरा कहना यह है, बैठो बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। मैं पूछ रहा हूं कि ये चीजें इधर क्यों पैदा हुई, अच्छा और कोई उठाओ हाथ, बेइज्जती थोड़ी होगी। इस देश में युवा में और कमी आ गई, पता नहीं कौन सी इज्जत बचा रहा है। इज्जत बचाओगे कुछ सीख नहीं पाओगे, कोशिश किया करो क्लास में थोड़ा जलील हो जाओ, तुम उसको बचा रहे हो। मुगल खानदान से हो नहीं, और ना गुप्त ना मौर्य, हम सब सामान्य परिवार से आए हैं, हम सब, हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे, मेल प्यून से उन्होंने नौकरी शुरू की थी, फिर पोस्टमैन हुए, मेल प्यून, फिर तार मैसेंजर, पहले तार होता था, तार भेजा जाता था एक लाइन में गए, तो अब गए लोग ज्यादा टाइप नहीं करवाते थे क्योंकि हर वर्ड का पैसा लगता था,
तो जैसे एक वर्ड का 10 रुपया लगता है, तो 10 वर्ड लगवा लिखा दिए तो 100 रुपया हो गया। अब बड़का भैया बंबई से निकल लिए, घर आ रहे थे तो आज टेलीग्राम कर दिए गए, जो गांव बताने आया था उसने कहा गए। यहां रोना पिटना मच गया गांव में। वो 3 दिन बाद घर पहुंचे तो घर वाले लगे भागने की, ये कहां से आ गए? तो बताए भैया गए का मतलब निकल लाए थे वहां से, क्योंकि 10 ही रुपए में टेलीग्राम करना था। तो पिताजी हमारे टेलीग्राम तार बाबू थे, मैसेज गांव गांव जाके बताते थे कि भाई आपका तार आया। तो वही एक किस्सा एक बार हमको सुना रहे थे कि एक मैं तार आया कि गए, हम गांव गए बताए कि भैया मैसेज आया है गए, और बोले यार आधे घंटे में घर में बवाल मच गया। हम भी सोचे कि हाँ यार गए का मतलब तो यही है। मैं कुछ नए लोगों को मौका देना चाहता हूं, कुछ नए लोग सोचें बोलें इंटरैक्ट करें, तभी तुम्हें समझ में आएगा। प्रिपरेशन और पढ़ाई दोनों को एक करके देख रहे हो, यही दिक्कत है। सब कौन बताया? दैनिक जागरण, ये सब दैनिक जागरण में छपता है, हमें उजाला, दैनिक जागरण, अमृत प्रभात, ताकि सच जिंदा रहे। बताओ भारतीय कौन 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 विदेशी? अच्छा, ये सब वो लोग लाए, तुम यही कह रही हो कि मतलब ठीक ठीक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने अपनी बात रखी संसद में, यही बहुत बड़ी बात। राहुल जी बेचारे बात कह के फंस गए। हाँ 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 बताओ। अच्छा अच्छा ठीक 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 बैठो। अब इस डायग्राम का जो संबंध है वो इस डायग्राम से है। ये जो पीरियड है ये मौर्य काल है और पोस्ट मौर्य। अब यहां पर क्या है? अर्बनाइजेशन, नगरीयकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था है। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है? नगरीयकरण है। शिकागो किसके लिए फेमस है? मीट पैकिंग इंडस्ट्री के लिए। डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए। टेक्सास किसके लिए फेमस है? टेक्सटाइल के लिए। ऐसे देखो ना, इसको ऐसे देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पॉरिकाल, ये दोनों अर्बनाइज्ड हैं, अर्बनाइज्ड इकोनॉमी है, अर्बन इकोनॉमी, शहरों पर आधारित इकोनॉमी। समझना इस बात को। यहां कौन सा शहर है? शिकागो। यहां कौन सा शहर है? डेट्रॉइट। टेक्सास। यहां कौन सा शहर है? मथुरा। किसके लिए फेमस है? शाटक, एक विशेष प्रकार का कपड़ा है ये शाटक। यहां कौन सा शहर है? राजगृह। ये किसके लिए फेमस है? आइवरी वर्क, हाथी दांत के काम। सुना है ना? मथुरा,
राजगृह, पाटलिपुत्र तो राजधानी है, कलिंग, रेशम, सिल्क, देखो और दूसरा पीरियड क्या है, अफगानिस्तान, दूसरा एग्जांपल, यहीं पे डायग्राम और बना लेते हैं। अफगानिस्तान और राजपूत काल, कोई शहर बताओ अफगानिस्तान का जो अपने उत्पादन के लिए फेमस हो। यहां की करेंसी क्या है? डॉलर। मुद्रा अर्थव्यवस्था। यहां की करेंसी का क्या नाम था? टंका मध्य काल में बेटा, टंका जित्तल मध्य काल में, अरे दिनार। पण, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि मौर्य अधिकारियों को 60 पण से लेकर 48,000 पण तक का सैलरी दिया जाता था। यहां का, यहां की मुद्रा बताओ, यहां कोई शहर बताओ, कोई शहर याद आ रहा है जो अपने उत्पादक के लिए फेमस हो? नहीं, यहां भी कोई शहर नहीं है। यहां मुद्रा है, करेंसी सिस्टम है? नहीं, यहां भी कोई करेंसी सिस्टम नहीं। बात कनेक्ट हो रही है, हो रही कि नहीं? अब यहां जो औरतें हैं, यहां यूएस में, ये काम कर रही हैं गूगल में, ये काम कर रही हैं पेप्सी में, सैलरी कितनी? 50,00,000 पर ईयर। अरे अपने समाज में सुनते नहीं हो कि इनके बिटिया कानपुर से पढ़ी है और 60,00,000 का पैकेज है? आजकल अपने यहां पैकेज का बड़ा फैशन चला है, पैकेज। कुली है? नहीं नहीं भैया, अमेरिका में काम करत है, पैकेज पर 60,00,000 का पैकेज, 70,00,000 का पैकेज, 1,00,00,000 का पैकेज। हिंदुस्तान में पैकेज है? अब सुनना गौर से, यहां की औरतें किस में काम कर रही हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। भारत स्पाइस के अलावा, मसालों के अलावा सबसे बड़ा निर्यात किसका करता है? टेक्सटाइल का। और वीविंग मोनोपोली, बुनाई का एकाधिकार किसके पास है? महिलाओं के पास। अब देखो, यहां भी महिलाएं अर्थव्यवस्था में भागीदार हैं, यहां भी महिलाएं अर्थव्यवस्था में भागीदार हैं। तो यहां महिलाओं को क्या है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक आजादी। यहां क्या है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब तुम 10,00,000 रुपए सैलरी पाती हो है, तो कोई चाहेगा तुम घर छोड़ के चली जाओ? तुम यहां हो इस काल में, तुमको 10,00,000 सैलरी मिल रही है, तो तुम्हारी सास क्या कहेगी? कि बहू हमारी दुर्गा का अवतार है। नहीं कहेगी? ये है पढ़ाई, ये है पढ़ाई, ये और ये है तैयारी। इसको पढ़ के ही, अब अगर अब इसके बाद एक डायग्राम और बना लो इसी के नीचे, 2023 भारत सरकार, अब इसी डायग्राम के नीचे एक डायग्राम और बना लो, 2023 इंडियन गवर्नमेंट, कन्या विद्याधन योजना,
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चियों को पेट में मारना। अब उन बच्चियों को बचाना है। बाप को चिंता यह है कि इनको पढ़ा के आईएएस बना देंगे तो दूसरे घर चली जाएंगी, तो मेरा 20 लाख का इन्वेस्टमेंट बेकार तो नहीं है। लड़कियां रहे चाहे जहां, पैसा अपने घर ही भिजवाएंगी। पापा को फोन करके बता देंगे बहुत समझदार है बेटियां आज की, लड़के तो नहीं भिजवा पाएंगे, उसका भी लेके भिजवा देगी कि तुम्हारे घर में तो वैसे 50 बीघा गेहूं होता है। तो अब सरकार क्या करेगी? देखो, तो सरकार को यहां से बात समझ में आ गई कि सामाजिक स्थिति का सीधा संबंध किससे है? इकोनॉमी से। ये देखो, ये तुम पढ़े हिस्ट्री में नीरज, पढ़े तुम, लेकिन तुम पढ़ के इसको निकाल नहीं पाए। ये पार्ट क्या है? स्टडींग। ये पार्ट क्या है? प्रिपरेशन। ये समझ लो, 90% 95% लोग सिर्फ पढ़ते हैं। इसको करने के लिए तुम्हें किताब खोलना है और पढ़ना है बस। इसको करने के लिए सिर्फ पढ़ना है, इसको करने के लिए सोचना है, और सोचना ही मुश्किल है क्योंकि तुम्हारे YouTube का नोटिफिकेशन आता है हर एक घंटे पे कि सारा अली खान का मुंबई में लाइव शो हो रहा है। तुम चाहते हो कि पढ़ू मैं, मेरे लिए सोचे कोई और। ये है प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन नहीं है, ये तो तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। ये है प्रिपरेशन। ये इस पार्ट को प्रिपरेशन कहते हैं, इस पार्ट को। ये तुमने पढ़ा, ये तुमने सीखा। ये किसी किताब में लिखा होगा? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तालन के अधिकारी है। अरे भैया, अरे भैया, तुलसीदास दुबे, हमको पता चला कि वो दुबे थे इस इलेक्शन से पहले। अब देखो, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, राजनीति, चौबीस का चुनाव होगा, मंदिर बन गया है। चुनाव से पहले बीजेपी कहेगी देखो वादा पूरा, अब तुम लोग भी, हमने कहा, कह रही है, कह रहे 400 के पार, हमने तो सब नहीं कहा भैया, हम तो बस ऐसे कर रहे थे, ये कह रहे हैं। तो अब एक जो दल है, अब बहुत सारे दल है भारत में, कहेंगे यार राम जी तो इनके हीरो हो गए, तो राजनीति में प्रतिद्वंदिता तो है। तो अगर रामचंद्र जी एक दल के हीरो है तो दूसरे के विलेन अपने आप बन जाएंगे। तो दूसरा दल कह रहे भैया हम, भैया बुद्धिस्ट है भैया, लो इसलिए डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी मांग है कि उसमें एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी की जो बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी है वो ये है कि डेमोक्रेसी वहां सफल होगी बड़े पैमाने पर जहां एक बहुत अच्छा शिक्षित तबका होगा। ये वो तुमको बताए नहीं,
इस देश में ह्यूमैनिटीज को इतनी घटिया निगाह से देखा जाता है, कहते पढ़ लो ऐसे रट लो, हिस्ट्री पढ़ के कोई किसी को नौकरी नहीं मिलती। बिल्कुल ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं, तो ये बात तो एकदम टीचर की सही थी। क्लास 10 तक वो तुमसे कह रहे थे कि बस किसी तरह पढ़ लो बेटा, 10th के बाद इतिहास मिलेगा ही नहीं, लो फिर मिल गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ये पहला कॉन्सेप्ट था जो मुझे डिस्कस करना था, कि तुम में से सब पढ़ते हो, तैयारी नहीं करते, तभी तो 5-5, 6-6, 7-7 साल से लोग यहां बैठे हैं। खूब पढ़ाई हो रही है, 15 घंटा आदमी मेज कुर्सी पर बैठा हुआ है, 15 घंटा। अब एक है पढ़ना, एक है सोचना। अब ए जो है ये 15 घंटा पढ़ रहा है, सोच एक भी घंटा नहीं रहा है, इसका सिलेक्शन कयामत तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें यह चीज विकसित ही नहीं हो रही है, यह वाली, यह तो यह कर ले रहा है, यह विकसित ही नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? यह चीज विकसित ही नहीं हो रही है। और इसको विकसित करने के लिए सोचना पड़ेगा। अब एक लड़का है वो 7 घंटा पढ़ रहा है, उसके बाद वो एक पैड और वाइट पेपर 10-12 और पेन लेके कंपनी गार्डन पहुंच गया, और वहां वो 10 घंटा सिर्फ सोच रहा है, डायग्राम बना रहा है कि ए की वजह से बी हुआ। अब तुम दोनों को अगर ए और बी को देखोगे तो सबसे ज्यादा पढ़ता हुआ तुम्हें कौन दिखेगा? ए। कि अरे भैया हमारे बगल के रूम में रहते थे भैया, हम देखते थे 15-15 घंटा पढ़ते थे, पढ़ते होंगे। क्या फर्क पड़ता है? ये पढ़ भी रहा है, ये सोच भी रहा है। तो वास्तविक तौर पे देखो तो इसका पढ़ने का समय ज्यादा है, ये 17 घंटा दे रहा है, लेकिन दिखाई इसका कम पड़ रहा है। इसलिए बहुत लोगों का जब सिलेक्शन होता है तो लोग कहते हैं भैया हम भैया 5-6 घंटे ज्यादा भैया पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि ये पार्ट तो हिडन है ना। ये पहली चीज है, स्टडिंग एंड प्रिपरेशन, पढ़ाई और तैयारी।